बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो है पिज़्ज़ा बर्गर की। तो आपको जो है वो पिज़्ज़ा का टेस्ट मिलेगा बर्गर के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो हम चलें इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लीजिए, हम चिकन रेडी करेंगे इसके लिए। तो इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और इसको मैंने गर्म होने रख दिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा डाल रही हूँ, साबुत वाला ज़ीरा। इसको हम डाल रहे हैं, हल्का सा गर्म करेंगे और साथ ही मैं इसमें हल्का सा गर्म हो जाए फिर इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालूंगी और एक प्याज बारीक चॉप की हुई वो डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरा लहसुन अदरक जो है फ्राई हो रहा है। मैं अब इसके अंदर 1 मिनट हो गया इसको फ्राई होते, मैं इसके प्याज जो है ऐड करने लगी हूँ। एक प्याज है मेरे पास बारीक कटी हुई चॉप, वो मैं डाल के फ्राई करूँगी। ओके, यहाँ पर आप देखें मैंने इसमें प्याज भी शामिल कर दी है और एक हरी मिर्च मैंने यहाँ पर बारीक काट के रखी हुई थी वो भी मैंने साथ ही ऐड कर ली है। तो इसको हम अच्छा से फ्राई कर लेंगे, प्याज जो है नरम हो जाए, सौते हो जाए। उसके बाद हम अपने इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस ली है और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। तो हम इसी का जो है वो बर्गर के अंदर की फिलिंग इससे रेडी कर रहे हैं। तो ये तकरीबन मेरे पास 650 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक है, छोटे पीसेस में काट लिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में छोटे छोटे से काट लिए। ठीक है, तो इसको ज़रा मैं हल्का सा ट्रांसलेशन कर लूँ फिर इसके बाद खाती हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखें प्याज जो है मेरी हल्की सी भुन चुकी है। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और कलर चेंज होने तक पकाना है। इसका कलर व्हाइट हो जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखें जब तक मेरी चिकन जो है वो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छे तरीके से, मैं आपको और इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो इसके अंदर जाने वाले हैं। चिकन को हम भूनेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मेरे पास 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर है और ये ज़ीरा था थोड़ा सा जो मैंने पहले शामिल किया था, ये उसी का ज़रा सा बचा हुआ है। ये स्पाइसेस डाल के हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और उसके बाद हम अपने जो इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। भूनने के बाद वो वेजिटेबल्स में मेरे पास आधा कप जो है रेड वाली शिमला मिर्च है, आधा कप ग्रीन वाली और फ्यू ऑलिव्स है मेरे पास, और प्याज भी मेरे पास है जो मैंने इसमें शामिल करनी है। ठीक है, प्याज भी मैं इसमें शामिल करूंगी तो वो भी मैं काट लेती हूँ। और उसके अलावा जो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी वो पिज़्ज़ा सॉस है और टोमेटो केचप है। पिज़्ज़ा सॉस अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो फिर आपको मेरी सारी रेसिपीज़ जो है वो ईजीली मिल जाएंगी जो जो भी मैंने सिखाई हुई होती हैं। तो ये मैंने आज ही अपलोड की है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, यही मैं इसके अंदर यूज़ करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इसको जाके आप देख लीजिएगा, यही मैं यूज़ करूँगी। साथ में मेरे पास चेडर और मोज़रेला चीज़ है और बर्गर बंस हैं और उसके साथ साथ जो है मैं इसके अंदर ऑरिगेनो और कुटी हुई मिर्चें और ऊपर से भी ऐड करूंगी। तो ज़रा चिकन मैं भून लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए चिकन का कलर अच्छी तरीके से चेंज हो चुका है और चिकन का पानी भी निकल चुका है। अब मैं इसको कवर करके लो पर कर दूंगी अबाउट 7 से 10 मिनट्स के लिए, जब तक मेरी चिकन अच्छे से गल जाती है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देखें चिकन का पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होने लगा है, थोड़ा सा रह गया इसके अंदर। तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ अपने सारे जो मैंने आपको दिखाए थे। स्पाइसेस में ये है कि इसमें क्योंकि एक हरी मिर्च भी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है और कुटी हुई मिर्चें मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड की हैं। अगर आप लोग मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर लीजिएगा। कोई भी हॉट सिराचा और टबास्को कोई भी सॉस जो है वो आप ऐड कर सकते हैं और नमक भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको 1 से 2 मिनट भूनती हूँ फिर दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखिए मेरी चिकन जो है अच्छे तरीके से अब ड्राई यहाँ पर हो गई, सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, चिकन मेरी ऑलरेडी गल गई है। अब मैं इसके अंदर सब्जियाँ अपनी ऐड करने लगी हूँ जो वेजिटेबल्स मेरे पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो शिमला मिर्च थी आधी प्याली, 1/2 कप कटी हुई बारीक जैसे हम काटते हैं चॉप्ड, रेड वाली है पेपर ये डाल दी है। यहाँ पर मेरे पास एक प्याज कटी हुई है चकोर चकोर इसी तरह की, ये भी मैं शामिल कर रही हूँ और ऑलिव्स भी, ये चीज़ें शामिल करके मिक्स कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर आप देखें सारी सब्जियों के साथ जो है वो चिकन मेरे अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, मैंने इसको चख लिया है और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कुछ भी एडजस्टमेंट इसमें करनी है बेशक आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से, नमक या चिली या जो भी है। ठीक है, अब बस अब मैं इसको 1 से 2 मिनट दे रही हूँ कि इसकी सब्जियाँ जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस स्लो आंच पे बिल्कुल 1 से 2 मिनट देने हैं और इसके बाद मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस और केचप जो है वो ऐड करूँगी। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखिए मैंने अब यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस जो मेरी थी जो मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पर, यही वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के यूज़ की है पिज़्ज़ा सॉस और 1.5 टेबल स्पून मैंने टोमेटो केचप यूज़ की है। मैं इसको सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ फिर बताती हूँ आपको। ओके, यहाँ पर आप देखें अब मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट हो गया है, चिकन का भी और वेजिटेबल्स का भी। चूल्हा में बंद करने लगी हूँ। अब इसको थोड़ा हम साइड पर कर देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमने इसको बर्गर में लगाना है तो उसको थोड़ा सा
थोड़ा सा ठंडा होने दें, अभी ये बहुत तेज़ गर्म है। तो जब तक मैं इसको साइड पे ठंडा कर रही हूँ, आपने क्या करना है, अपना ओवन जो है प्री हीट कर लीजिएगा 180 डिग्री पर। हमने इसको सिर्फ 4 to 5 मिनट्स देने हैं बर्गर में असेंबल करने के बाद। तो अपना ओवन गर्म कर लें, और अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो आप किसी भी पॉट या कढ़ाई में कुछ भी स्टील का रैक रख के, तो आप उसके अंदर जिस भी कोई भी डिश हो आपके पास जिसके अंदर रखे, आप बर्गर को अंदर रख के आप उसकी चीज़ मेल्ट कर सकें, या फिर माइक्रोवेव में, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो तो वो आप कर लें। तो मैं ओवन ऑन कर दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखें मैंने बर्गर बन लिया है, उसको बीच में से हाफ करके दोनों साइड पे इसके पहले मेयोनीज लगाई है, उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है अपनी पिज्ज़ा सॉस एक साइड पे लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं अपनी चिकन और वेजिटेबल्स की जो भी फिलिंग बनाई हुई है ये इसके ऊपर लगाने लगी हूँ। अगर आप बड़े बर्गर बंस ले रहे हैं तो आप थोड़ी सी ज़ाहिर है ज़्यादा फिलिंग और ज़्यादा सॉस वगैरह लगाइएगा अपना हिसाब से। यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ के हैं और ज़रा बड़े नहीं हैं, तो जितने आप भी बना रहे हो जिस हिसाब से बना रहे हो उस हिसाब से आप करिएगा। तो ये फिलिंग डालने के बाद आप जो है मैं इसके ऊपर चीज़ डालने लगी हूँ। यहाँ पर मोजरेला और चेडर दोनों चीज़ हैं, ये मैं इसके ऊपर डालती हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखें मैंने चीज़ जो है दोनों उस पर डाल दिए हैं, दो चेडर और मोजरेला दोनों। ये वाला ऊपर का पार्ट है, ये वाला, ये मैंने अभी कवर नहीं किया है, ठीक है, ये भी मैंने डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं 1 पिंच ड्राइड ऑरिगेनो और 1 ही पिंच चिली फ्लेक्स डालने लगी हूँ, जो कि आपको पता है कि पिज़्ज़ा में हर चीज़ पे नॉर्मली जब आप पिज़्ज़ा बनाए डालते ही होते हैं, ये डाल दिया है। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, तो ये इसका आप लेड लगा दीजिए, ठीक है, हल्का सा प्रेस हम कर देते हैं। अब इसके ऊपर टॉपिंग बिल्कुल जो टॉप वाली है इसके ऊपर हम अगेन थोड़ा सा बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे अगेन। तो ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस मैंने बिल्कुल इसके ऊपर लगा दिया है, और अब इसके ऊपर मैं दोबारा से चीज़ डाल रही हूँ दोनों। तो देखिए यहाँ पर ये रेडी हो गया है, इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब जो है मैं इसको बहुत ही ध्यान से उठाकर, अब इस ट्रे में मैंने ओवन की ट्रे रखी हुई ऑलरेडी, प्री हीटर ओवन मेरा हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसको 4 से 5 मिनट तक दूंगी जब तक इसका चीज़ सारा मेल्ट नहीं हो जाता, और फिर ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो मैं कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पर आप देखें ये मैंने निकाल लिए हैं, हल्के से ऊपर से चीज़ मेल्ट हो चुका है और बिल्कुल हल्का हल्का सा गोल्डन भी हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ हमें चीज़ ही मेल्ट करना था अंदर से और बाहर से। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर रेडी हुआ है। आपको जब आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा कितने मज़े का माशाल्लाह बना है। आप इसको फ्राइज़ के साथ सर्व करिए या इसको एज इट इज़ खा लीजिए, अंदर से भी जब आप इसको काटेंगे तो बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मज़े का जो है वो निकलेगा। होपफुली आपको मेरी ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपीज़ सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।